हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जीत तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होता है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन, आप जानते होंगे, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सांस लेते हैं तो कैसे हमें ऊर्जा मिलती है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं श्वसन तंत्र से। तो एक टोटल 6 तंत्र होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया कि श्वसन क्या होती है। श्वसन को इंग्लिश में बोला जाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या होती है क्रिया, तो जैसे हम सांस लेते हैं, सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस, बहुत सारी गैसें होती हैं वायु में, तो लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन गैस द्वारा भोजन का ऑक्सीडेशन करके, है ना, भोजन का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो हम क्या बोलेंगे, है ना, कि ऑक्सीजन गैस द्वारा शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण करके या ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं C6H12O6, ठीक है। ये जो, इसको क्या बोलते हैं, या तो आप ग्लूकोज बोल सकते हो या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, है ना। इसमें अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो इसका क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें ऑक्सीडेशन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन इसका होगा तो यहाँ पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 H2O, जिसको बोलते हैं हम जल, और ऊर्जा निकलती है। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, टोटल ऊर्जा निकलती है इसमें 36 ATP। अगर हम बात करें कि एक अणु या फिर 1 ग्राम अणु कार्बोहाइड्रेट के, है ना, या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो टोटल निकलती है 38 ATP, ठीक है ना। टोटल 36 ATP प्लस 2 ATP, और टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल होती है 38 ATP, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बाद में भी कि कैसे होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल श्वसन की। तो आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। इससे 3 क्वेश्चन मार्केट में रहते हैं और ज्यादातर आते रहते हुए 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं। तो आप बोलोगे वो सबके सब श्वसन की क्रिया करते हैं फेफड़ों से, ठीक है, किससे करते हैं, फेफड़ों के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था अच्छे से कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ऐसा मैंने बताया था। मध्य मस्तिष्क का 1 भाग था, तो वो पूरा आपने पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको समझाया था। बस यहां पर हम बात कर रहे हैं श्वसन की। तो श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है मेडुला ओब्लांगेटा, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का 1 भाग होता है। इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे जिसका नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का सबसे आखिरी या फिर पूरे मस्तिष्क का सबसे पीछे का हिस्सा होता है, और ये क्या करता है, ये श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है। अगर मैं सही बताऊं तो श्वसन के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, जिसे हम बोलते हैं हृदय गति, पर भी नियंत्रण करता है। कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा, मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा है, इन तीनों चीजों की देखभाल करता है और इन पर कंट्रोल करता है। किस किस पर, हार्ट बीट पर, ब्लड प्रेशर पर और रेस्पिरेशन पर, मतलब श्वसन पर और हृदय गति पर और ब्लड प्रेशर पर। इसको याद रखना आप अच्छे से, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, ये तो मैंने बता दिया आपके जितने भी स्तनधारी होते हैं या मैमल्स होते हैं, वो जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो आप बोलोगे फेफड़ों से के द्वारा करते हैं। इसके बाद आप बताइए मुझे कि मानव जो होता है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है या श्वसन की क्रिया कितनी बार करता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बुक में वेरी कर जाते हैं, किसी बुक में कुछ और आंसर रहता है, किसी बुक में कुछ और आंसर रहता है। मैं आपको लगभग बता रहा हूँ कि जब आपके पेपर में आएगा तो लगभग आपको 15 के समथिंग मिलेगा, 15 से 16, 14 से 16, इस टाइप से। तो आप याद कर सकते हो कि मानव जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 15 से 16 बार
एक मिनट में 15 से 16 बार श्वसन की क्रिया करता है, ऐसा याद रख लेना आप, ठीक है। 15 to 16 टाइम्स एक मिनट में 15 से 16 बार श्वसन की क्रिया करता है मानव, ठीक है, इसको याद रखना आप। ये ज़्यादा साइनिंग तो नहीं कर रहा बताओ अभी, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे लगा कि शायद ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई आप लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, और मैंने देखा तो वाकई में बहुत ज़्यादा चमक रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है। ये आ गया होगा इतना, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन याद रखना है कि मस्तिष्क का मेडुला ओब्लॉन्ग जो होता है श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है, स्तनधारी फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है, और मानव जो होता है 15 से 16 बार एक मिनट में श्वास लेता है। इतना हो गया कंफर्म हमारा पूरा अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि श्वसन की क्रिया से संबंधित, श्वसन की क्रिया में तो एक पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो तीन स्टेप्स में होती है। पहला, जब हम सांस लेते हैं तो वायु जाती है, उसके साथ में गैसें जाती हैं बॉडी के अंदर, तो इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जब बॉडी के अंदर जाएंगी गैसें तो फेफड़े का काम होता है उन गैसों को एब्जॉर्ब करना या रिलीज करना, तो बाह्य श्वसन के अंदर आता है कि बाहर की गैसों को फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों में छुपी हुई गैसों को बाहर निकलना, जैसे ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों से लंग से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये कहलाता है बाह्य श्वसन, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फिर होता है गैसों का शरीर में परिवहन, तो दूसरा स्टेप क्या होता है, गैसों का शरीर में परिवहन, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड के सहारे पूरी बॉडी में पहुंचेगी, पूरी बॉडी में पहुंचेगी, मैं लिख के भी बताऊंगा आपको, समझ लो। अब ऑक्सीजन का बाहर से लेकर फेफड़ों तक पहुंचना ये हो जाएगा बाह्य श्वसन। अब इसके बाद गैसों का शरीर में परिवहन, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी ब्लड के सहारे, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, उससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है चुपके से और जुड़ के पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है, और वहाँ पर हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का पहुँचना इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, गैसों का शरीर में परिवहन। परिवहन का मतलब होता है पहुंचना या ट्रांसफर होना, कहाँ से, फेफड़ों से, कहाँ तक, बॉडी की सभी कोशिकाओं तक पहुंचना, तो दूसरा स्टेप होता है। और तीसरा, पूरी श्वसन की जो क्रिया होती है वो तीन चरणों को मैं कह सकते हैं पूरी होती है, एक बाह्य श्वसन, बाहर की ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचना, इसके बाद दूसरा हो गया शरीर में गैसों का परिवहन, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन पहुंची थी बाहर से उसका सभी कोशिकाओं तक पहुंचना, यहां तक। इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन, इसका नाम होता है कोशिकीय श्वसन, क्योंकि जो आंतरिक श्वसन का मतलब है ये श्वसन की क्रिया कोशिका में होती है और कोशिकाओं के अलग अलग अंग होते हैं, वो मैं आपको एक बिल्कुल स्पेशल चैप्टर पढ़ाऊंगा अच्छे से, जिसका नाम होता है, बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, प्लेस्टाइड्स जिसको लवक बोलते हैं, तो अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। अभी बस आपको इतना सीखना है कि कोशिका में जो श्वसन होता है उसको कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहते हैं, और वो भी दो प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन भी दो प्रकार से होता है अलग अलग, जिसको बोलते हैं निःश्वसन इंस्पिरेशन या फिर उच्छ्वास बोलते हैं या एक्सपिरेशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप बोलोगे ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, कैसे है पूरी की पूरी हम टेबल बना के समझाएंगे आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ तक आपको श्वसन क्या होती है वो हमने पढ़ लिया, अब श्वसन की क्रिया तीन चरणों में होती है, वो हम चरण देखते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एक क्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको अभी अभी समझाया है कि श्वसन की क्रिया तीन चरणों में पूरी होती है, सबसे पहला चरण मैं यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा सा दूर, जिससे वो बन जाए सबसे अच्छे से। पहला आपको याद रखना है बाह्य श्वसन, क्या बोलेंगे सबसे पहले को, बाह्य श्वसन, या फिर हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। बाह्य श्वसन की का मतलब होता है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का फेफड़ों तक पहुंचना बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निकलना, ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है, दो चीजें। तो आप बोलोगे बाह्य श्वसन का मतलब है सर कि ऑक्सीजन का शरीर में जाना और CO2 का शरीर से बाहर निकलना, तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत भी दो प्रोसेस होती हैं, जैसे श्वसन की क्रिया तीन चरणों में होती है, बाह्य श्वसन,
फिर हम बोलेंगे गैसों का शरीर में परिवहन, दूसरा फेस होता है क्या, गैसों का शरीर में परिवहन, गैसों का शरीर में परिवहन, और थर्ड फेस होता है जिसको बोलते हैं हम आंतरिक श्वसन। थर्ड फेस क्या होगा, आंतरिक श्वसन। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो बाह्य श्वसन में हम क्या देखेंगे, जैसे बाह्य श्वसन के भी दो फेस होते हैं, पहला होगा एक तो इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन, है ना। तो आपको याद रखना है जिसको हम बोलेंगे, एक तो होता है निःश्वसन, इंस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन, और दूसरा होता है हिंदी है उसके उच्छ्वास या एक्सप्रेशन, ठीक है। ये होता है बाह्य श्वसन दो चरणों में। ऐसे आंतरिक श्वसन भी दो चरणों में होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। क्या बोल देंगे, अनऑक्सीश्वसन पहली चरण क्रिया होती है, इसलिए हम पहले अनऑक्सीश्वसन लिखते हैं, अनऑक्सीश्वसन, और दूसरी है ऑक्सीश्वसन, ठीक है। निःश्वसन उच्छ्वास, अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीश्वसन। इसको अगर कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे तो इनको मैं बता देता हूं, ये होता है निःश्वसन का मतलब इंग्लिश में होता है इंस्पिरेशन। क्या होता है, इंस्पिरेशन। इसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब है रेस्पिरेशन, लेकिन अनॉक्सी का मतलब है एनएरोबिक, है ना। तो आप समझ गए होंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इनके बारे में पढ़ना है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बॉडी में जब कोई गैस ऑक्सीजन गैस जाती है तो उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। ऑक्सीजन का जाना, CO2 का निकलना, बाह्य श्वसन। फिर उस ऑक्सीजन का जो फेफड़ों तक गई है उसको बॉडी की सभी कोशिकाओं तक जाना, उसको बोलते हैं गैसों का शरीर में परिवहन। और जब शरीर में जाके फिर क्या करेगी वो, फिर ऊर्जा कैसे मिलेगी हमें, तो भोजन का ऑक्सीकरण करती है, कोशिकाओं के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण करके हमें ऊर्जा देती है। ऊर्जा का मिलना, तो भोजन का ऑक्सीकरण करके ऑक्सीजन द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया कहाँ होती है, आंतरिक श्वसन के अंतर्गत होती है, कोशिकाओं के अंदर। इसलिए इसको आंतरिक श्वसन को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन भी इसके नाम है, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या है। तो हम बोलेंगे कि बाह्य श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन का वातावरण से बॉडी के अंदर प्रवेश करना तथा CO2 का निकलना, ठीक है। अब निःश्वसन में क्या पढ़ेंगे, तो निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त वायु का शरीर में जाना, ठीक है, शरीर में आना। तो ऑक्सीजन युक्त वायु का शरीर में प्रवेश करना, करने की प्रक्रिया कहलाती है निःश्वसन, तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है उच्छ्वास, या फिर हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन युक्त वायु का, आप लिख सकते हो ऑक्सीजन युक्त वायु का शरीर में प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है, तथा CO2 युक्त वायु का शरीर से बाहर निकलना उच्छ्वास कहलाता है। इसमें अब देखो यहाँ पर, जब व्यक्ति सांस लेता है तो कौन कौन सी गैसें जाती हैं और कितनी मात्रा में जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो निःश्वसन में हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन युक्त वायु वातावरण से शरीर के अंदर जाती है, तो उसमें आप सांस लोगे तो सबसे पहले वायु जाएगी, वायु में होती है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर होगी ऑक्सीजन, फिर होगी आपकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेनली होती है 70-21%, और इसके बाद तो कुछ है नहीं। एक तो जलवायु, जलवाष्प लिख सकते हो आप, जलवाष्प, ठीक है, और एक लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बारे में आपको बस पढ़ लो, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होती है बताओ वायु में, उतनी ही जाएगी निःश्वसन के अंदर, जब सांस लोगे आप तो आप बोलोगे 78%, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितनी 21%, कहीं 20 लिखा रहता है कहीं 21, आपको याद रखना है 21%। अगर हम जलवाष्प की बात करें तो 0.5%, और अगर हम CO2 की बात करें तो 0.03%, इतने परसेंटेज आप लगा सकते हो, जानते हो इतना। तो निःश्वसन में कौन सी गैस कितनी जाती है वो इतनी जाएगी, नाइट्रोजन 78% जाती है, ऑक्सीजन 21%, जलवाष्प 0.5%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जब हम सांस को लिया हमने तो वायु के साथ कौन कौन सी गैसें गई वो मैंने बता दिया। अब जब आप क्या करोगे, सांस को छोड़ोगे, है ना, सांस लेने के बाद छोड़ोगे
तो उसमें जो CO2 युक्त वायु का शरीर से बाहर निकलना की प्रक्रिया कहलाती है उच्छ्वास, और ऑक्सीजन युक्त वायु का शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया कहलाती है निःश्वसन। तो उच्छ्वास की जब प्रक्रिया करेंगे हम तो CO2 युक्त वायु का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है उच्छ्वास। तो कौन सी कितनी गैस निकलेंगी, तो यहां से भी नाइट्रोजन गैस टोटल की टोटल 78% निकल जाती है, मतलब अंदर भी और नाइट्रोजन की 78% जब आपने सांस छोड़ी तो बाहर भी 78% निकल गई, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन में अंतर आ जाता है, ऑक्सीजन आपने जब सांस ली थी तो 21% गई थी, लेकिन जब आप सांस छोड़ोगे तो केवल 16% बाहर निकलती है। मैंने बोला ना कि ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, जो फेफड़े होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन पूरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कि आपने सांस ली पूरी की पूरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले, नहीं है ना। तो 21% आपने ऑक्सीजन लोगे आप, तो 21% में से जो ऑक्सीजन है 16% आप जब सांस छोड़ोगे तो बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब 16 से 17, 18, 19, 20, 21 आप काउंट कर सकते हो, लगभग 5% ऑक्सीजन क्या हो जाती है, फेफड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। जल वाष्प जो है 0.5% आपने क्या किया था, जब आपने सांस ली थी तो 0.5% गई थी यहाँ पर, लेकिन जब आप सांस छोड़ोगे तो जल वाष्प की मात्रा 6.5% बाहर निकलेगी। 0.5% आपने अंदर ली थी जल वाष्प, जब छोड़ते हो तो 6.5% बाहर निकलेगी। CO2 जो आपने ली थी ना सांस में, तो सांस में CO2 कितनी निकली थी, कितनी ली आपने वायु के साथ, 0.03%। जब आप सांस छोड़ते हो तो हम बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाती है। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा निकलनी चाहिए, तो हाँ, तो इसमें आपको याद रखना है कि CO2 गैस 0.03% आप लेते हो, लेकिन बाहर कितनी निकालते हो उसको आपको याद रखना है 4%। कितना बोलोगे आप, 4%, 0.03 और बाहर कितनी निकली 4%, तो 3-4 से आप कर सकते हो। यहाँ पॉइंट में जरूर है 0.03, ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस लेते समय लेते हैं, जब सांस छोड़ते समय 4% को बाहर निकालते हैं। इसको आपको चारों को याद रखना है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इनको यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी गैस है कि जिसको सांस लेते समय तथा सांस छोड़ते समय बिल्कुल भी हम यूज नहीं करते, वो है नाइट्रोजन गैस। 78% लोगे, 78% ही छोड़ दोगे, बिल्कुल भी यूज नहीं होगी, ठीक है। सांस लेते समय हम किस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑक्सीजन को। 21% लेते हैं, 16% छोड़ देते हैं, मतलब हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं 5%। रिलीज कौन सी गैस कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो आप बोलोगे दोनों कर रहे हैं, जल वाष्प भी हम ज्यादा छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी। जल वाष्प ली कितनी थी 0.5, छोड़ी कितनी 6.5, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने एब्जॉर्ब कितनी की थी 0.03, ली कितनी थी 0.03%, लेकिन जब छोड़ी तो उसमें सांस के रूप में 4% कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिलीज करते हो। तो ये चीज याद रखना, और यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बाह्य श्वसन मतलब ऑक्सीजन का है ना शरीर में जाना और CO2 को निकलना बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है, जिसमें निःश्वसन उच्छ्वास दो प्रक्रियाएं होती है। ऑक्सीजन युक्त वायु का शरीर में जाना निःश्वसन, और CO2 युक्त वायु का शरीर से बाहर निकलना उच्छ्वास कहलाती है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, और यहां पर बोलेंगे बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रक्रियाएं हो जाएंगी। अब गैसों का शरीर में परिवहन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, अब बाहर से जो ऑक्सीजन वायुमंडल में घूम रही थी आपके चारों तरफ, आपने सांस के जरिए उसको लिया और अपने फेफड़ों तक पहुंचा दिया। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच गई, अब वो कहाँ से जाएगी, आपके बॉडी की प्रत्येक छोटी छोटी कोशिकाओं तक, उसको जाने के लिए वो क्या होता है, तो आपको याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर में ब्लड होता है रक्त, और रक्त में क्या होता है, रक्त का रंग जो लाल होता है, वो रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, तो आप बोलोगे, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, एक आयरन या लोहा धातु पाई जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है ऑक्सीजन और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है पूरे शरीर में परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बना लेती है। तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक टेम्पोररी कंपाउंड बन जाता है और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। ये सभी सभी कोशिकाओं में जाएगा और टेम्पोररी होता है, जाते ही है केवल, हम आपको जुड़ के, आप मुझसे जुड़ जाइए, हम आपको वहां तक छोड़ देंगे जहां तक आपको जाना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि बाद में जब ये कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा तो ये जो ब्लड के में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और इसमें एक लोहा धातु पाई जाती है जिसको बोलते हैं आयरन, है ना, मेटल।
बाद में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन कहां तक पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी बॉडी की सभी कोशिकाओं तक, ठीक है। अब तीसरा यहां तक हो जाएगा, इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन की, क्योंकि अब होगा आंतरिक श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच गई है कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। आंतरिक श्वसन का पहला क्वेश्चन है कि आंतरिक श्वसन को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि आंतरिक श्वसन जो होता है, आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस श्वसन की ये वाली प्रक्रिया जो होती है वो कोशिकाओं के अंदर होती है। तो आप बोलो कि आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, कौन सा श्वसन, कोशिकीय श्वसन, क्यों, क्योंकि श्वसन की यह प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है, और कोशिकाओं के अंग बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था, लेकिन आप अभी याद रख लेना कि कोशिकाओं का श्वसन स्थल कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऊर्जा ग्रह में माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए, है ना, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है कोशिका का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो होता है गोल्जी बॉडी। लेकिन मैं आपको ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन बताऊंगा जब हम सेल के बारे में पढ़ाएंगे, आपको सारे तंत्र कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम सेल पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया, तो आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि श्वसन की यह प्रक्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक है। ये जो श्वसन की प्रक्रिया है आंतरिक श्वसन, ये दो चरणों में होती है, एक तो एक को बोलते हैं अनऑक्सीजन श्वसन, दूसरा होता है ऑक्सीजन श्वसन। अब इसको देखो, इसको अंतर्वाज कैसे करोगे आप, पहला आप अंतर लिख सकते हो इनमें कि अनऑक्सीजन श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या आप बोलोगे। हाँ, एक चीज तो याद रखना कि आंतरिक श्वसन कहां होता है, कोशिकाओं के अंदर तो होता है, लेकिन कहां होता है, एक तो कोशिका द्रव्य में होता है और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों को मैं अंतर करके बताता हूं, अनऑक्सीजन श्वसन और ऑक्सीजन श्वसन, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो कैसे करें अंतर, पहला लिखो यहां पर, पहला अंतर लिखोगे आप, एक तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा जो मैंने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर तरीके से, टेलीग्राम पे आप देख लेना, नहीं तो आप क्या करना, एक काम करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप क्या करना कि एक फेसबुक पेज बना हुआ है इसका मैथमस्ती का, तो वहां पर आप जुड़ जाइए, वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसकी पीडीएफ, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां पर, अनऑक्सीजन श्वसन क्या है कि इसमें आपको लिखना है कि अनऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अनऑक्सीजन श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। नाम ही है ऑक्सीजन श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रियाओं को ऑक्सीजन श्वसन कहा जाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रियाओं को अनऑक्सीजन श्वसन कहा जाता है। पहला पॉइंट अंतर, ठीक है, पहला अंतर ही हो गया। दूसरा हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ होती है, तो अनऑक्सीजन श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में, और ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप बोलोगे अनऑक्सीजन श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में होती है, कहाँ होती है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, और हम बोलेंगे ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तीसरा हम बोलेंगे इसमें भोजन का आंशिक रूप से विघटन होता है, क्योंकि देखो अनऑक्सीजन श्वसन में ऑक्सीजन ही नहीं है, पहले तो ऑक्सीजन के पहले की प्रोसेस बता रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है ना, तो हम बोलेंगे इसमें भोजन का आंशिक रूप से विघटन होता है। कैसा होता है, भोजन का आंशिक रूप से विघटन होता है, और इसमें हम बोलेंगे भोजन का पूर्ण विघटन हो जाता है, भोजन या ग्लूकोज या फिर हम आपको है ना ग्लूकोज भी बोल सकते हो, इसमें भोजन का पूर्ण विघटन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आंशिक रूप से विघटन होगा इसका मतलब ऊर्जा भी कम मिलेगी, इसमें पूर्ण विघटन हो जाता है तो ऊर्जा भी ज्यादा मिल रही होगी, तो कितनी ऊर्जा मिलती है और कैसा विघटन होता है, कौन सा तत्व बनता है, वो सब हम देख लेते हैं एक ही लाइन में। तो इसमें पूर्ण विघटन का मतलब यह है कि जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6, इसका अब ऑक्सीजन तो है नहीं है तो इसका विघटन होकर पाइरूविक अम्ल बनता है, इसका विघटन ऑक्सीजन तो नहीं है तो क्या बनेगा, ये याद रखना, यहाँ पर पाइरूविक अम्ल बनता है तथा यहाँ से 2 ATP ऊर्जा मिलती है। कितनी ATP ऊर्जा मिलेगी, 2 ATP। तो आप याद रखना, एक तो याद रखना कि अनऑक्सीजन श्वसन में जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है वो तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है पहली बात तो, और इसमें आंशिक विघटन होता है भोजन का जिसमें 2 ATP ऊर्जा के साथ पाइरूविक अम्ल बनता है, फिर इसका पूर्ण विघटन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या होगा
जो अगर जो ग्लूकोज था C6H12O6 इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ये, तो क्या होगा इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बनेगा, अभी बताई थी पहली प्रक्रिया CO2H2O और 36 ATP ऊर्जा निकलती है, तो 36 ATP यहां बनेगी, 2 ATP यहां, तो टोटल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में लगभग 38 ATP ऊर्जा निकलती है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। और इसके अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस और कैप्चर, एक चीज और देख लेना बस, कि जो अनॉक्सी श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस, और ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है कैप्स चक्र के नाम से जानी जाती है। तो आप बोलोगे कि अनॉक्सी श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया है ये ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानी जाती है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया कैप्स चक्र के नाम से जानी जाती है, कैप्स चक्र, ठीक है। तो छोटी सी बात है, नाम ही बता रहा हूं उसका, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, कहां पे होती है, तो आप बोलोगे कोशिका द्रव्य में होती है, कैसी होती है, आप बोलोगे आंशिक विघटन होता है इसमें, तो भोजन का क्या बनेगा, पाइरोबिक अम्ल बनता है और 2 ATP ऊर्जा निकलती है, इसको बोलते क्या है, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसमें हम बोलेंगे ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कैसे होती है, पूर्ण विघटन होता है भोजन का, कितनी ATP ऊर्जा निकलती है, तो आप बोलोगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें जल बनता है और 36 ATP ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बस इतना याद रखना कि एक ग्लूकोज के पूर्ण विघटन होगा ना तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो आप बोलोगे एक ग्लूकोज की पूर्ण विघटन से 36 × 2 = 38 ATP ऊर्जा निकलती है। पूछा जाएगा बताइए ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या होती है, तो आप बोलोगे अनॉक्सी श्वसन को ही ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है और ऑक्सी श्वसन को कैप्स चक्र कहा जाता है, इनकी प्रक्रिया को, ठीक है। आपसे पूछा जाए बताइए अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा क्या बनता है, तो आप बोलोगे पाइरूविक अम्ल बनता है, इसको भी याद रखना है, पाइरूविक अम्ल के साथ 2 ATP ऊर्जा निकलती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल और 36 ATP ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और कहां पे होती है अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती कहां है, अगर ये पूछा जाए तो ये भी याद रखना है कि अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या होती हैं हम सब पढ़ेंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, चाहे केंद्रक, जितनी भी चीजें होती हैं कोशिका द्रव्य, हम सारे सबके बारे में जानेंगे एक एक करके। बस अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है श्वसन और श्वसन तंत्र, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सारे के सारे तंत्र के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये हमारा चौथा तंत्र जो है कंप्लीट हो चुका है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देना, देखना आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, मेरे ख्याल से आपको अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज बनाई है, आप इसको इस डायग्राम को बना लीजिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी।